Attilin. Attilin. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गत दो वर्ष में देश ने भली भांति हमारे काम को देखा है, हमारे काम को परखा है। केंद्र में सत्ता की दूसरी सालगिरह मनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या जिन वादों और अच्छे दिनों के सपनों के दम पर ऐतिहासिक बहुमत के साथ एनडीए को सत्ता हासिल हुई, क्या वो पूरे हो रहे हैं? क्या बेरोजगारी दूर हुई? क्या महंगाई कम हुई? क्या किसानों के अच्छे दिन आए? क्या देश का द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास खुश हुआ? क्या इंडस्ट्री और इकोनॉमी के हालात सुधरे हैं? दो साल के हमारे पूरे कार्यकाल को देखेंगे, एक के बाद एक उन कामों को हाथ में लिया है जो गरीबों को गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत दे। एक तरफ सरकार के दावे हैं तो दूसरी ओर विपक्ष ने भी मोर्चा खोल दिया है। आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार सिवाय भाषणबाजी के कुछ नहीं कर रही है। मोदी जी, आप जश्न क्यों मना रहे हो? क्या हिंदुस्तान में की दूध की नदियां बह रही हैं? क्या वाराणसी स्वच्छ हो गया? क्या हर युवा को रोजगार मिल गया? ये बोलते रहते हैं लेकिन उनका काम नहीं बोलता। मोदी एक बहुत मेहनत करने वाले प्रधानमंत्री हैं। इतनी व्यक्तिगत तौर पर मेहनत करने वाला हिंदुस्तान में अभी तक पिछले कई प्रधानमंत्रियों में कोई नहीं हुआ। व्यक्तिगत तौर पर तो वो हैं इस तरह के, वो आप मेहनत करते दिन रात, लेकिन ज़मीन पे कुछ भी उनके मंत्री या उनके सपनों को पूरा करने का काम उनके कार्यकर्ता नहीं कर पा रहे हैं। सरकार ने बीते दो सालों में क्या कुछ किया है? 26 मई से 10 जून के बीच बीजेपी के नेता और सरकार के मंत्री 200 प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैलियों के जरिए देश की जनता को इसका हिसाब देंगे। सरकार ने दो साल की उपलब्धियों की एक बुकलेट भी तैयार करवाई है, जिसे मंत्री, सांसद और नेता जनता तक पहुंचाएंगे। लेकिन असल मुद्दा तो ये है कि क्या अच्छे दिनों के वादे पर सरकार खरी उतरती है? इसी मुद्दे पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। मोदी सरकार ने केंद्र की सत्ता में दो साल यानी करीब 720 दिन पूरे कर लिए। हालांकि अच्छे दिनों के लिए कोई टाइमलाइन फिक्स करना मुश्किल है, लेकिन सवाल संकेतों का है, जिसे लेकर सरकार और विपक्ष के अपने अपने दावे। सरकार कह रही है कि बीते साल में आम लोगों की जिंदगी काफी सुधरी है, तो विपक्ष का कहना है कि सिवाय भाषणबाजी के इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। इसीलिए आज बिग स्टोरी बिग डिबेट में हम सरकार के कामकाज का रियलिटी चेक करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस ऐतिहासिक बहुमत के साथ मोदी सरकार सत्ता में आई थी, उसके पीछे आम लोगों की उम्मीदों की एक बड़ी भूमिका थी। तो ये उम्मीदें आखिर कितनी पूरी हुई, आज यही है बिग स्टोरी बिग डिबेट। दो साल कितना सुधरा हाल, और मेरे साथ एक बहुत ही खास पैनल है इस मुद्दे पर बात करने के लिए। मेरे साथ सैयद शाहनवाज हुसैन है, सीनियर स्पोक्स पर्सन बीजेपी। मेरे साथ मुकेश नायक है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। मेरे साथ नवाब मलिक है, स्पोक्स पर्सन एनसीपी। राजीव रंजन है, स्पोक्स पर्सन जेडीयू। और पुष्पेश पंत है, सीनियर जर्नलिस्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम इस डिबेट को, इस चर्चा को शुरू करें, जल्दी से कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहते हैं, ताकि आपके सामने पिक्चर ज्यादा क्लियर हो, और फिर इस बहस को करेंगे। दो साल में कितना कमाल, जनधन योजना के तहत करीब 22 करोड़ खाते देश में खोले गए। सरकार पर भ्रष्टाचार का अभी तक कोई आरोप नहीं है। दो साल में FDI यानी विदेशी निवेश 1,000 करोड़ डॉलर से बढ़कर करीब 4,000 करोड़ डॉलर हो गया है। मेक इन इंडिया के तहत दो साल में 44% विदेशी निवेश बढ़ा है।
कोयला और स्पेक्ट्रम की सरकार ने सफल नीलामी की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग सुधरी है। कई देशों के साथ नए रिश्तों की शुरुआत हुई है, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ, आप यह सुनिए। नई नौकरियों के मामले में ज्यादा कामयाबी सरकार को नहीं मिली। कई अहम मुद्दों पर विपक्ष को सरकार अपने साथ भरोसे में नहीं ला पाई, अपने साथ नहीं ला पाई। ब्लैक मनी के मुद्दे पर सरकार को अभी तक कोई खास कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। जीएसटी सरकार अभी तक नहीं पास करा पाई है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट, जो कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, सरकार को उसमें कोई खास कामयाबी नहीं मिली है। और स्वच्छ भारत अभियान जो मोदी सरकार ने शुरू किया था, उसमें भी कोई ज्यादा कामयाबी सरकार को नहीं मिली है। तो ये कुछ आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं, और इसके बाद पुष्पेश पंत, शुरुआत आपसे ही करते हैं। एक न्यूट्रल कमेंट इसलिए क्योंकि उसके बाद सभी पार्टियों के अपने अपने रिजर्वेशन हो सकते हैं और उस पर डिबेट होगी आगे, लेकिन एक न्यूट्रल कमेंट। दो साल किसी उम्मीदों के पहाड़ पर बैठी सरकार के लिए हालांकि बहुत ज्यादा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन दो सालों में आपको अच्छे दिनों की शुरुआत या जो वादे किए गए थे वो पूरे होते दिखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि रिपोर्ट कार्ड जो है वो मिला जुला है, मगर कुल मिलाकर संतोषजनक है। मुझे लगता है कि अगर आप ये मानकर चलें कि कोई नई सरकार आएगी और अच्छे दिनों का वादा जो कर रहा था उसने, वो पलक झपकते पूरा हो जाएगा, ये मुझे लगता है बचपना है। मुझे लगता है कि जितनी असफलताओं की सूची आपने गिनाई, उस पर अगर आप दृष्टिपात करें तो क्या अपने विपक्ष को यदि संतुष्ट करने में मोदी सरकार असमर्थ रही है, तो क्या उसका दोष सिर्फ मोदी सरकार का है? क्या ताली दो हाथ से नहीं बजती है? क्या जीएसटी अगर पास नहीं हुआ है तो जो कांग्रेस का अड़ियल रवैया राज्यसभा में रहा है, संसद में रहा है, वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या ये सच नहीं है कि जितनी जगह गैर भाजपाई मोदी विरोधी सरकारें काम कर रही हैं, उनका एकजुट प्रयत्न ये नहीं रहा है कि शोर ये मचाया जाए कि भारत की जो अवधारणा है वो नष्ट हो रही है, नेहरू की विरासत नष्ट हो रही है, धर्मनिरपेक्षता समाजवाद का कोई नाम लेवा नहीं बचा है? और उसके बाद हम ये न भूलें कि देश के जो बड़े भौगोलिक विस्तार वाले राज्य हैं, जो बड़ी आबादी वाले राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, अभी हाल तक असम हो, तमिलनाडु हो, उसके अलावा उड़ीसा हो, वो ऐसे राज्य हैं जहाँ मोदी का शासन नहीं चल रहा है, जहाँ भाजपा का शासन नहीं चल रहा है। तो क्या इस संघीय व्यवस्था में दो वर्ष में जो कुछ होना चाहिए था उसकी चिंता तो हम पड़ताल करें, मगर किन कारणों से नहीं हुआ है उसे हम छोड़ दें? और मुझे लगता है कि जो मुझे बिल्कुल संतोष इस अर्थ में है कि मोदी ने जो वादा किया था वो पूरा निभाया हो या ना निभाया हो, मगर दो साल में पहले तीन चार पाँच महीने तो आप उसको दीजिए कि जिस आदमी को एक राज्य से केंद्र में आकर प्रधानमंत्री पद संभालना हो और ये सब सत्ता के सूत्र संभालने हो कि नौकरशाही पुरानी सरकार की है, कौन आदमी भरोसे का है, नहीं है आदि। तो ठीक है, आपका मतलब है कि सरकार सही दिशा में जा रही है, पुष्पेश पंत आप ये कह रहे हैं? मेरा निश्चित रूप से मानना है, गति शायद थोड़ी। सैयद शाहनवाज हुसैन, मैं अब आपके पास आऊंगा सर, आ रहा हूं पुष्पेश पंत जी, आऊंगा अब आपके पास सर। सैयद शाहनवाज हुसैन, मैं आपके पास आऊंगा, आप बहुत ही सीनियर लीडर हैं, आप सरकार में रहे हैं, सरकार में कामकाज कैसा होता है इसका बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आपको, ब्यूरो कैसे कैसे काम करती है इसका भी बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और बड़ी साफगोई से आप बातें रखते हैं, और बड़ी साफगोई से मैं इस सवाल का जवाब भी मांगूंगा। दो साल में, हालांकि पांच साल के लिए चुनी गई सरकार के कामकाज का इवैल्यूएशन किया जाए तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन 10 में से अगर नंबर पूछे हम आपसे, आप ही की सरकार के लिए, तो कितना नंबर देंगे शहीद शाहनवाज हुसैन? देखिए, सवाल यह है कि नंबर का सवाल नहीं है, नंबर तो हम 10 में 10 देंगे। कोई भी सरकार अपना हिसाब नहीं देती दो साल का, हम सरकार में हिसाब दे रहे हैं, हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम जनता को सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं। जो निराशा के वातावरण में दो साल पहले देश था, उसमें सरकार के बाद आशा की किरण दिखी है, ये बता रहे हैं। हर मोर्चे पर सफल हुए हैं। अगर मैं गिनाने जाऊंगा ना तो पूरा समय मुझे ही दे देना पड़ेगा। नहीं, इस पे, और मैं इस, क्योंकि आपके चैनल पर बिजनेस चैनल है, आपने पूरी तरह बताया है कि हमने कैसे जनधन योजना में खाते खोले हैं, हमने कैसे महंगाई दर कम हुई है, कैसे हमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर इंडेक्स बढ़ा है, नेशनल ब्रांड वैल्यू बढ़ी है 32%, थोक महंगाई दर में गिरावट आई है, विकास दर 7.5% पहुंचा है, जो मूडीज की रेटिंग थी जो पहले सरकार आई थी स्टेबल थी और वो अब बढ़कर उसको बेहतरीन बताया गया है। और उसी तरह देखिए, हम जन सरोकार से भी जुड़े हैं, हम अगर स्वच्छता अभियान लाए हैं तो गरीब महिलाओं के लिए पहला प्रधानमंत्री जिसकी बात पर भरोसा है कि 1 करोड़ लोगों ने गैस की सब्सिडी छोड़ दी
और हम 5 करोड़ गरीबों को डायरेक्ट उज्ज्वला स्कीम के तहत उन बहनों को सिलेंडर दे रहे हैं, जिसकी प्रशंसा सबको करनी चाहिए।